मेरी दादी के कहने पर पुराने टाइम का ये लेप मैंने ट्राई किया, जिससे चेहरा भी चमकता है और बाल भी, साथ ही बाल बहुत तेजी से बढ़ते हैं और चेहरा दूध की तरह गोरा हो जाता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। पुराने समय में फेस वॉश, शैम्पू वगैरह ये सब चीजें नहीं होती थी, लेकिन फिर भी एक अलग ही ग्लो हमारे एल्डरली लोगों के चेहरे पर देखने को मिलता था। उनके बाल भी लंबे होते थे, घने होते थे। मेरी दादी ने आज एक ऐसा ही लेप शेयर किया जिसके रिजल्ट मुझे काफी अच्छे मिले, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आपके साथ भी इसे शेयर करूं। ये लेप कोई भी इस्तेमाल कर सकता है अपनी स्किन पर, अपने बालों के लिए। तो मैंने यहाँ पर इस लेप को बनाने के सबसे पहले एक बाउल में लिया है कच्चा चावल। चावल के पानी में बहुत ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हमारे बालों की कंडीशन, टेक्सचर को अच्छा करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट हेयर ग्रोथ प्रमोट करते हैं। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि चावल को कोरियन स्किन, जापानीज स्किन, सीक्रेट रेमेडीज में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। ये बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि आपको भी बहुत कम टाइम में ये ग्लास स्किन अचीव करा सकता है और स्किन पर सुपर ग्लो ऐड भी करता है। तो आपको करना क्या है, आप एक बाउल चावल ले लीजिए, किसी बर्तन में उसको वॉश करके आप डाल दीजिए। इसमें आपको डालना है एक ग्लास पानी। पानी डालकर आप इसे 5 मिनट लो फ्लेम पर गैस पर अच्छे से बॉइल कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमें राइस वाटर चाहिए। तो आप चावल को अच्छे से बॉईल करोगे तो चावल के जितने भी एंटीऑक्सीडेंट है, जितनी भी क्वालिटीज है, सारी पानी के अंदर चली जाएंगी और इस पानी का हम इस्तेमाल करेंगे लेप बनाने के लिए। इसको पकाने के बाद चावलों का जो पानी है मैंने स्ट्रेन कर लिया। अब इसी पानी में हम ऐड करेंगे मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी के बेनिफिट्स तो हर लड़की जानती होगी। पुराने समय से जब बाल धोने के लिए शैम्पू नहीं होते थे तो लोग मुल्तानी मिट्टी से ही हेयर वॉश करते थे। जैसा कि हम देखते हैं उनके बाल बहुत मुलायम, काले, घने होते थे। मुल्तानी मिट्टी न सिर्फ स्किन के पिंपल्स रोकती है, साथ ही चेहरे को अच्छे से क्लीन भी कर देती है, ऑयल हटाती है, ब्लैक हेड, व्हाइट हेड्स होने से रोकती है और स्किन के कलर को भी गोरा बनाती है। तो 2 से 3 चम्मच मुल्तानी मिट्टी अगर आपके पास पाउडर में है तो आप पाउडर ऐड कर लीजिए। अगर आपके पास इस तरीके से है तो आप इसको हल्का सा कूट कर चावल के पानी में डाल देंगे। इसके बाद इसी पानी में मैंने ऐड किया है 1 से 2 विटामिन ई कैप्सूल। स्किन के लिए नेचुरल सनस्क्रीन होती है, स्किन में नेचुरल नरिशमेंट देती है। विटामिन ई हेयर ग्रोथ को बूस्ट करता है। अगर आपके बाल बहुत ज्यादा दो मुहे हो गए हैं, ब्रेकेज हो रहा है, तो इन प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए आप विटामिन ई कैप्सूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 विटामिन ई कैप्सूल मैंने ऐड करी। लास्ट मैंने इसमें डाला है कच्चा दूध। अगर आपको सूट नहीं करता तो आप स्किप भी कर सकते हैं, सूट करता है तो आप ऐड कर लीजिए। कच्चा दूध नेचुरल क्लींजर होता है आपके बालों के लिए भी, आपके स्किन के लिए भी। आपके स्किन पर चमक भी देता है और बालों पर भी। तो कच्चा दूध ऐड करने के बाद हल्का सा आप इसे स्पून से स्टर कर लीजिए, यानी इसको मिक्स कर लीजिए। अब इस लेप को आप ऐसे भी लगा सकते हैं और आप चाहो तो किसी खाली बोतल में आप इसे डाल सकते हो। और इस्तेमाल कैसे करना है, नहाने से पहले आप इसे इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा मैसी हो जाता है, आपके पूरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। तो नहाने से पहले ही मैंने इसका इस्तेमाल किया और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगी कि आप नहाने से पहले इसका इस्तेमाल करें। तो इसको लगाए अपने बालों में, अपने फेस पर। लगाने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा मसाज भी कर लेना है अपने बालों में भी और अपने चेहरे पर भी। पहले जड़ों में लगाएं, उसके बाद लेंथ पर लगाएं। लगाने के बाद 5 मिनट रखिए और नहा लीजिए। इस लेप से मुझे सच में बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। अगर आप भी पुरानी चीजों में बिलीव रखते हैं, पुराने नुस्खों में बिलीव रखते हैं और आप भी इनको ट्राई करते हैं तो आप इस लेप को भी बनाकर ट्राई करें। मोस्टली नहाने से पहले ही आपको ये करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।